एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का 7th चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेशल ओनली सीटेट के लिए ही है। तो इसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी और इसमें ये बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन यहाँ से हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम जो है वो है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है एक बहुत बड़ा राज्य यानी कि एक सम्राट, हम जिन्हें शेयरों के चरित्र रुपयों में पैसे पर देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मनी के पीछे एक बार ये जो उन्होंने पिक्चर शो की हुई है इसमें ऐसा कुछ साइन वहाँ पर दिया गया होता है, ये वाला। उनका एक लंबा इतिहास है। इसे किसे कैसे बनाया गया? इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब मैंने बुद्ध के बारे में डिटेल में बताया था कि सारनाथ में उनका स्तूप मिला जहाँ पर उनके अवशेष रखे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया गया है कि अगर आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेल आपको पता चलेगी। अगर आपने वो वीडियोज़ वॉच नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इतिहास के महानतम राजों में से कौन सा एक राज्य राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलिखित उद्धरण किए गए हैं। तो राजा जो अशोक था उन्होंने पत्थरों पर अभिलिखित उद्धरण करवाए कई निर्देश, जिसके पहले कि हम ये जानकारी अभिलेखों में ली गई है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि अभिलेख क्या है, जो पत्थरों पर संदेश देते थे अपने लोगों को, राजा लोग जो होते थे वो क्या मैसेज देना चाहते थे उसे जो किया अभिलेख कहा जाता था। तो इस तरह उनके राज्य को क्या कहा जाता था इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे इस टॉपिक में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो कि उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि सबसे पहले जो उसकी स्थापना की गई है उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की, कब की? 2300 साल पहले की। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त को ये सहायता दी थी, यानी कि एक चाणक्य नाम का और एक कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी इस साम्राज्य को बनाने में। चाणक्य के कई विचार जो किए हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र की किताब पर मिलता है। तो ये पूरा का पूरा पैरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वंश। वंश क्या होता है? वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 राज्य महत्वपूर्ण थे, कौन कौन से? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बाद में बिंदुसार का पुत्र जो था वो अशोक था। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसमें क्रम पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है आगे हम देखेंगे इसका पॉइंट क्या है। साम्राज्य के बहुत से नगर थे, यानी कि जो एक साम्राज्य था जिसमें अशोक का साम्राज्य था उसमें बहुत सारे नगर थे। उनमें में से साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और तक्षशिला जैसे नगर जो प्रमुख थे। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जो की है इसके साम्राज्य की राजधानी थी। और तक्षशिला जो थी वो उत्तर पश्चिम वाली साइड थी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग थी, यानी कि मध्य एशिया से होकर वो इधर उधर जा सकते थे। दूसरी तरफ जो कि उज्जैन थी वो उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इन नगरों में लोग कौन से लोग रहते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहा करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप बस जस्ट इसे नोट करते जाना और इसी में से क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार कर अपनी जीविका चलाते थे और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के रहते थे। यहाँ पर दिया गया कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं में दिखाया गया है,
उन देशों के नाम बताओ, ये सारा उन्होंने एक क्वेश्चन के ज़रिए दिया गया है, कोई एक्टिविटी हम इस ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ को इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको सिर्फ इसका डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कलिंगा कहाँ पर पड़ता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैंने पहले भी मैप में बताया था, है ना, कि ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरह आप इसकी डायरेक्शन ज़रूर समझे कि कौन सा शहर कहाँ पर है। तो मैप जाने की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न लोग जो थी भाषाएं बोलते थे, वह लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था, जाने कि राजा का एक राज्य जो था पूरे साम्राज्य से कैसे अलग था। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना से ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या पर कर इकट्ठे कर अधिकारियों की जो कि जरूरत थी। कर क्या थे, कर जो कि टैक्स थे, इसलिए उन्हें अधिकारियों की जरूरत थी, क्योंकि साम्राज्य जो कि था राज्य जो थे साम्राज्य से बड़े थे। नेक्स्ट था वहाँ पर उसने कैसे शासन किया, है ना, साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अशोक था तो पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी थी और उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर उसका सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में गाँव और शहरों के किसान, जो पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी थे, वो कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जितने भी टैक्स वो लेना लेता था राजा, उसके लिए उसने अधिकारी रखे हुए थे। जो राजा के आदेश की उल्लंघना करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, अब उनको सैलरी दी जाने लग गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनपद महाजनपद वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर सिर्फ टैक्स दिए जाते थे, वहाँ पर भी उन्होंने सेना रखनी शुरू कर दी थी राजाओं ने, बट वहाँ पर अधिकारी जो कि नहीं थे, उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, पर यहाँ अशोक के टाइम पर सैलरी दिए जाने लगे। संदेश वाहक जाने की जो संदेश देते, वो एक जगह दूसरी जगह जो कि घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर वो जो कि नज़र रखते थे, जो कि राजा द्वारा अधिकारी छोड़े गए थे उस पर वो नज़र रखते थे कि वो अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं। इन सब के ऊपर जो था सम्राट था, जो राज परिवार अब वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम जो कि राजा कैसे अब पूरे राज्य को नियंत्रण में रखते थे, कैसे उसकी प्रोटेक्शन करते थे उसके बारे में। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, यानी कि अब छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। इन पर सबसे ज़्यादा जो थी वो तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियाँ से ही शासन किया जाता था। जो छोटे क्षेत्र और प्रांत थे उस पर कैसे शासन किया जाता था, किसके ज़रिए, तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियों से किया जाता था। तो ये यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आराम से बनते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। कहाँ पर, जो क्षेत्र होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, वहाँ पर जो राज्यपाल होते थे उन्हें गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था, तो लोग वहाँ के जो रीति रिवाज, कस्टम थे, नियम थे, उसे भी मानते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हुआ। प्रादेशिक जो केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये हमारा बन गया कि जो प्रादेशिक केंद्र होते थे उसके बीच पर नियंत्रण करने के लिए वो मार्ग नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे मौर्य शासक। तो ये तीन चार पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि वो अपने राज्य में कैसे शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखते थे और कैसे उसे देखते थे। नेक्स्ट देखते हैं आवागमन। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, यहाँ से आवागमन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट थे, और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे वह उसे इकट्ठा कर देते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम से उसे क्या मिलता था, जाने कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा था, जहाँ से वो कर संसाधन जो भी मिलते थे उसे भेंट के रूप में, यानी कि गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लेते थे, और
उसकी उदाहरण दिया गया है, उन्होंने दिया है कि अर्थशास्त्र की एक बुक में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम से कंबल मिलते थे और दक्षिण और भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। तो इस तरह ये संभव है संसाधन नजराने के रूप में जो कि इकट्ठे किए जाते थे, जो भी गिफ्ट दिए जाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के जब जाते थे तब वो टैक्स किस रूप में दिया करते थे। नेक्स्ट है नजराना। नजराना क्या है? यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। जैसे नजराना विद पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते हो, यानी कि जो अपनी मर्जी से देते हो उसे नजराना कहा जाता था। वो एक कर के रूप में ही होता था, जिसे कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं पैसे की बजाय। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नजराना क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजधानी में सम्राट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सथनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया का एक यूनानी राजा सिलेक्सुन केटर का एक राजदूत था। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्सथनीज कौन था और किसके दरबार में आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहरा है, आप इसे नहीं छोड़ सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पश्चिम एशिया का था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, यूनानी राजा सिलेक्सुन निकेटर का राजदूत था और मैक्सथनीज ने जो भी कुछ देखा उसके राज्य में उसके बारे में उसने डिटेल में बताया। उसने बताया कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में एक जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक जो थे सोने और चांदी के साथ अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंग रक्षक जो थे पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग किए हुए तोतों का एक झुंड होता था और जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे वह हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई भी उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि जब मैक्सथनीज आया चंद्रगुप्त के दरबार में तो उसने जो भी देखा वहाँ पर उसके बारे में अपने शब्दों में बयान किया। नेक्स्ट है और पाटलिपुत्र, और जिसे आधुनिक आज का पटना कहा जाता है, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है और वह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें क्या है 570 बुर्ज हैं और चोटदार है। 2 और 3 मंजिलें वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ का ही बना हुआ है जिसे पत्थर की नकाशी के अलंकृत किया गया और ये चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसने के बसेरों से घिरा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम जो कि है राजा का कैसे था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी और उसमें कैसे घर बने थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदकारियों को हाथी लकड़ी मधु और मोम जैसी चीज़ें जो कि है ला कर दें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे दे करते थे, कैसे टैक्स दिया करते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो अनोखा था। अशोक मौर्य सम्राट के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्हें अभिलिखित द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही साइड में इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ी है, अभिलेखों के बारे में जब हमने पढ़ा वहाँ पर अशोक का नाम आता है। तो आज हम अशोक के बारे पूरे डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अशोक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने वो फर्स्ट राजा था जिसने अभिलेख द्वारा जनता को संदेश दिए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक भाषा में थे और ब्रह्मी लिपि में थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस भाषा में उसने अभिलेख दिए। नेक्स्ट है कलिंगा युद्ध का वर्णन। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। उसने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही थी कि राजा बनने के 8 साल बाद उसने एक कलिंगा युद्ध किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 8 साल बाद उसने एक कलिंगा जो कि युद्ध किया,
जब कलिंगा में उसने विजय प्राप्त की तो उसने बाद में देखा कि लगभग 1.5 लाख लोग उसने बंदी बनाए, कुछ लोग मारे गए। तो उसे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक युद्ध और एक इलाके को जीतने के लिए मैंने कितने सारे लोगों को जो किया मार डाला। तो उसका उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, धर्मपाल करने और दूसरों की उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे का अफसोस हो गया। तो उसके बाद ने उसने निश्चय कर लिया कि वो आगे जीवन में कभी भी युद्ध किसी से भी नहीं करेगा। तो उसने एक धर्म पाल्या, जाने की एक धर्म पालन के बारे में कहा और उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया कि वह लोगों को शिक्षा देगा। वो कहता था कि मैं मानता हूँ कि धाम के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है, बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक ऐसे संदेश के रूप में उत्कीर्ण करवाऊँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसके बदले उन्हें ये सोचना है कि धाम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। तो उसके बारे में देखा, धाम जो कि एक संस्कृति शब्द है जिसका जो कि यह प्राकृतिक रूप क्या है, धर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसने अपनाया था। नेक्स्ट है अशोक का कलिंगा युग। कलिंगा युग जो युद्ध था वो तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक ने कलिंगा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध चिन्ह हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से जो कि तृष्णा हो गई और उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन नाम जो कि उड़ीसा है। अशोक का धाम क्या था? अशोक के धाम में किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता की नहीं गई थी। उन्हें लगता था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही वो उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को जो कि बहुत ही अच्छा उपदेश दें, उन्हें प्रेरित करें। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसने संवेदना दी और उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इसमें कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था, जैसे कई लोग जो कि है ऐसे रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, जैसे जानवरों को बलि चढ़ा दी गई, दासों को नौकरों के साथ कुव्यवहार किया गया। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े हुए। तो अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान कि उनका कर्तव्य है, यानी कि इस चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें धाम महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, किसकी नियुक्ति की, धाम महामात जो जगह जगह जाकर धाम की शिक्षा देते थे, जाने की धर्म की शिक्षा देते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर भी खुदवाई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने ये खुदवाए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वह राजा के संदेश को इन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। और अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ पर गए, सीरिया, मिस्र और लंका में भी जो कि अपने दूत भेजे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि अशोक ने अपने धाम का प्रचार करने के लिए, ये जो लास्ट लाइन है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये कहाँ पर है, बिहार के एक रामपुरवा में मिले एक मौर्य का स्तंभ का एक हिस्सा है। अभी इसे एक राष्ट्रीय भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है जो आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम घर बनवाए। उसके अतिरिक्त उन्हें मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि वो फेमस इतने क्यों हुए, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। उसने लोगों को बताया कि हमें आपस में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, और बहुत अपने जो भी उनका राज्य था उसके बारे में भी उसने बहुत कुछ ही कंस्ट्रक्ट करवाए चीज़ें, जैसे सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे? लोग भिन्न भिन्न अवसरों पर उनिष्ट करवाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वह बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जहाँ उनकी यात्रा शुरू करते, तब वह तरह तरह के उनिष्ट जाने की रीति रिवाज कराते हैं। ये कर्मकांड वो कहते हैं अशोक के अकॉर्डिंग काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति रिवाजों को मानते हैं, ये भी कुछ भी नहीं है।
तो उसने ये कहने की कोशिश की है कि अपने दासों नौकरों के साथ आप अच्छा व्यवहार किए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो उसने यही कहा है कि मिलजुल कर रहने की बात की है। यही संदेश अशोक का था अपनी प्रजा के लिए। अपने धाम की प्रशंसा और दूसरों की धाम की निंदा करना छोड़ दीजिए, दोनों ही कहते हैं कि गलत बात है। इस तरह उसने कहा है कि अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरों के धर्म की बड़ाई करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह उन्होंने ये चीज़ क्लियर की। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पिंक कलर में लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत के सबसे प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी उनके संदेश को फॉलो किया। अशोक ने धाम के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए इन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है, और इन उन्होंने ये चीज़ें बताई। नेक्स्ट है यहाँ पर साइड पर लिखा है कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई। यहाँ आ अक्षर से अलग अलग भाषाओं की लिपियों में भी आप इसे देख सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे आरंभिक ब्राह्मी जो थी वो इस तरह की ब्राह्मी अक्षर थी आ। अब आ जब ऐसे पढ़ने लगा तो उसे कहा जाने लगा देवनगरी जाने की हिंदी। अगर आ ऐसी लैंग्वेज में पढ़ने लगा उसे कहा बंगला। अगर ऐसे है तो मलयालम, और ऐसे है तो तमिल। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ब्राह्मी लिपि को जो कि अलग अलग भाषाओं के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग मायने थे, जाने की साइन अलग अलग हो चुके थे। नेक्स्ट है लास्ट, जो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े से पहले 2400 वर्ष पहले चीन में एक सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया, और इसे बनने का उद्देश्य उसने अपनी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए किया। यानी कि उसने इतना बड़ा किला क्यों बनाया, पशुपालक लोगों की रक्षा करने के लिए। अगले 2000 वर्ष तक इसी दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएँ बदलती रहीं। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर है और तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि अकेले अशोक ने नहीं, उस टाइम जो कि एक मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े से पहले चीन में भी एक सम्राट था जो उसने भी अपनी किलेबंदी ऐसे करवाई। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी नेक्स्ट वीडियो आगे मैं इसके रिलेटेड इसी तरह ही अपलोड करती रहूँगी। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।